वोटिंग और काउंटिंग से पहले जीत गई भाजपा। भाजपा का खाता खुला सूरत में। सूरत से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल ने लोकसभा 2024 में जीत दर्ज की है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अभी कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर रिलीज की थी, डिक्टेटर। और जैसे ही ये वीडियो रिलीज हुई, भारत में बैठी सारी गोदी मीडिया और आजकल तो कुछ गोदी यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, वो ध्रुव राठी के पीछे पड़ गए। कहा कि कैसे है डिक्टेटरशिप, भारत में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन अब जो सूरत से मामला सामने निकल कर आ रहा है, यह एक डिक्टेटरशिप की शुरुआत की आगाह कर रहा है। असल में हुआ क्या है कि 4 जून को सूरत में इलेक्शन होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया, क्योंकि नामांकन भरने के लिए आपको प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है और समर्थक की जरूरत पड़ती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पास इन दोनों में से कोई भी नहीं था। अब जब दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार ने पर्चा भरा तो उनका भी पर्चा कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ तक तो फिर भी कहा जा सकता है कि यह विपक्ष की नाकामी है, लेकिन बाकी के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। अब इनको पैसे दिए गए थे नामांकन वापस लेने के लिए या धमकी, यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन जो भी हो, यह भारत के लोकतंत्र के लिए कहीं से सही नहीं है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का तो शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छा कैंडिडेट अपने विपक्षी के खिलाफ नहीं उतार सकती तो वो क्या देश बदलने की बात कर रही है, कैसे चुनाव जीतने की बात कर रही है। और वो सातों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि एक पार्टी के सामने आप खड़े हो सके। अगर आपको धमकी देकर डराकर आपका नामांकन वापस लिया गया तो आप कायर हैं, और आप पैसे लेकर नामांकन वापस लिए हैं तो आप देशद्रोही हैं। जब आपको चुनाव नहीं लड़ना था तो आपने नामांकन क्यों किया, सिर्फ वोट काटने के लिए या फिर जनता को परेशान करने के लिए या सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए। और अगर भाजपा ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि कोई विपक्ष उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा, तो अब तो भारत को आज अमेरिका से आगे होना चाहिए था, भारत को चांद पर नहीं भारत को प्लूटो तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इसकी झलक आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन भाजपा की सरकार ये तोड़ जोड़ में लगी है। यही वह गुजरात है जहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो शहर के चारों तरफ बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए गए थे ताकि भारत की गरीबी छुपाई जा सके। आज यह आलम है कि भाजपा के विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पा रहा। और मायावती जी से मेरी एक गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में भी उनके कैंडिडेट क्यों खड़े हो रहे हैं बीजेपी के सामने, उनको भी अपना नामांकन वापस लेना चाहिए, जैसे उम्मीदवार ने सूरत में अपना नामांकन वापस ले लिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना, बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ, और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ